गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास टेंथ में केंद्रीय तंत्रिया तंत्र के बारे में इससे पहले की क्लास में हमने मनुष्य के अंदर तंत्रिया तंत्र है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उस बारे में हम डिटेल से अध्ययन किया था अब हम इस क्लास में देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो केंद्रीय तंत्रिया तंत्र होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मनुष्य के अंदर केंद्रीय तंत्रिया तंत्र होता है वह तंत्रिया तंत्र होगा उससे आप ध्यान देंगे दो भागों में बांटा गया है दो मुख्य भाग होते हैं इसकी एक भाग आपको इसका ध्यान रखना है मस्तिष्क होता है और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु मस्तिष्क एवं दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा मेरुरज्जु मैंने कल भी आपको बताया था जो केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है उस तंत्र को हम क्या कहेंगे केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहा जाता है सेंट्रल नर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है सी एन एस सेंट्रल नर्व सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है यानी केंद्रीय तंत्रिया तंत्र होगा उसमें दो मुख्य भाग होते हैं एक तो ब्रेन आएगा मस्तिष्क आता है और दूसरा आप ध्यान देंगे स्पाइनल कोड या मेरजोतियाँ इसमें शामिल होती हैं तो यह दो भाग हमें ध्यान रखने किसके बारे में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में इसे केंद्रीय तंत्रिया तंत्र क्यों नाम दिया गया क्योंकि ये शरीर के केंद्रीय भाग में मध्य भाग में उपस्थित है इस कारण से, से हम क्या कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क की या ब्रेन के बारे में मस्तिष्क या ब्रेन में आपको क्या ध्यान रखना है कि मस्तिष्क होता है यह शरीर का सबसे प्रमुख अंग होता है यानी ये, ये आप ध्यान देंगे शरीर का सबसे प्रमुख अंग है मुख्य अंग है जो कि शरीर के केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है जो कौन से भाग में उपस्थित होता है केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है और मनुष्य में मस्तिष्क होता है उसका भार होता है वह 1400 से 1500 ग्राम होता है लगभग डेढ़ किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम यहाँ 1400 से 1500 ग्राम होता है मस्तिष्क का भार होता है और मस्तिष्क ही होता है जिनके द्वारा संपूर्ण शरीर के संचालन की क्रियाविधि को संपादित किया जाता है संपूर्ण शरीर के में आदेशों को भेजने का और वहाँ से आवेगों को प्राप्त करने का कार्य भी है वो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है तो मस्तिष्क होगा वह संपूर्ण शरीर में आवेगों को भेजने आवेगों को प्राप्त करने का कार्य होता है वह इनके द्वारा किया जाता है अब उसके बाद में ध्यान दीजिए मस्तिष्क होता है वह बाहर के आवरण से गिरा हुआ रहता है और मस्तिष्क जो बाहर से आवरण से गिरा हुआ रहता है मस्तिष्क के बाहर आवरण बाहर आप ध्यान देंगे तो अस्थियों से बना हुआ जो कंकाल तंत्र से बना हुआ अस्थि होती है उन अस्थियों से बना हुआ खोपड़ी होती है उसके अंदर बंद होता है तो मस्तिष्क होगा वह अस्थियों से निर्मित खोपड़ी के अंदर परिबद्ध रहता है अस्थियों से निर्मित अस्थियों से निर्मित आठ अस्थियां होती निर्मित जो खोपड़ी होती है उसके अंदर पर परिबध होता है उसके अंदर यानी मस्तिष्क अस्थियों से निर्मित खोपड़ी में सुरक्षित रहता है तो मस्तिष्क होगा मनुष्य में वह करोटी या कपाल के अंदर क्या रहता है सुरक्षित रहता है वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क होता, होता है वो कॉमन रंग होता है परंतु बाहर की ओर क्या उपस्थित है अस्थियों से बनी हुई जो संरचना उपस्थित जिसके अंदर परिबद्ध रहता है इस से मस्तिष्क है वह आप ध्यान देंगे कठोर अंग के रूप में हमें दिखाई देता है तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क होगा वह अस्थियों से निर्मित खोपड़ी के अंदर क्या रहता है सुरक्षित रहता है और मस्तिष्क के बाहर का जो आवरण होता है मस्तिष्क के बाहर के आवरण को हम क्या कहते हैं तो मस्तिष्क के बाहर के आवरण को बाहर के आवरण को हम मस्तिष्क सावरण कहते हैं बाहर के आवरण को हम क्या कहेंगे तो बाहर के आवरण को मस्तिष्क सावरण कहा जाता है मैन कहा जाता है तो इस प्रकार से मस्तिष्क वर्ण या मैन कहते हैं आवरण को हम क्या कहेंगे मस्तिष्क सावरण कहते हैं जो कि तीन परतों से निर्मित होता है कितनी परतों से निर्मित होता है तीन परतें होती हैं उससे निर्मित होता है तो मस्तिष्क के बाहर के आवरण को हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं और मस्तिष्क का आवरण होता है वो कितनी परतों से निर्मित होता है तीन परतों से निर्मित होता है सबसे बाहर का आवरण होगा जिसे हम क्या कहते हैं दृढ़ तानिका कहा जाता है दृढ़ तानिका द्र या जिसे दृढ़ तानिका को ही हम क्या कहेंगे तो आपको रखना है डाया कहा जाता है क्या कहेंगे डाया मेटर या दृढ़ तानिका दूसरा स्तर होता है जिसे हम क्या कहेंगे जाल तानिका तो जाल तानिका या जिसे हम क्या कहेंगे तो आपको दनकता का जाल तानिका या आपको दनकता है एरेकनोइड कौन सा हो जाएगा एरेकनोइड तो इस प्रकार से एरेक्नोइड हो जाएगा और तीसरा पार्ट होता है जो कि मृदु तानिका के रूप में उपस्थित होता है मर्दु तानिका या तानिका को हम क्या कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है डाया एरेक्नोइड और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पाया मैटर पाया मैटर या डाया कई बार ड्यूरा मैटर भी लिखा जाता है एक ही बात है ड्यूरा मैटर तो इस प्रकार से ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड और पायामेटर ये तीन इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो शॉर्ट में आप डाफ इस प्रकार से याद रख के भी याद रख सकते हैं अब ये तीन स्तर होते हैं उन स्तरों से मस्तिष्क का बाहर का आवरण गिरा हुआ रहता है इन तीनों स्तरों में से जो ये दो स्तर होते हैं जाल तानिका और मर्दु तानिका इनके मध्य की गुहा होती है इनके मध्य की यानी जाल तानिका या मर्दु तानिका के मध्य की गुहा होती है उसे हम सब एरेक्नोइड गुहा कहते हैं क्या कहेंगे सब एरेक्नोइड गुहा कहा जाता है तो इसके मध्य की गुहा होगी उसे सब एरेक्नोइड गुहा कहते हैं और इस सब एरेक्नोइड गुहा होती है उसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं क्या कहेंगे प्रमस्तिष्क द्रव कहा जाता है तो इस प्रकार का द्रव्य होगा उस द्रव्य को हम क्या कहेंगे प्रमस्तिष्क द्रव्य कहा जाता है या इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे सी एस एफ स्पाइनल फ्लूड के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से इसके अंदर द्रव्य पदार्थ भरा रहेगा और ये द्रव्य पदार्थ जो हुआ रहता है उस द्रव्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं सी एफ एस कहते हैं यानी सरिब्रो स्पाइनल द्रव कहा जाता है सी एस एफ यानी पर मस्तिष्क द्रव उपस्थित होता है यह द्रव होगा वो बाह्य आघातों से बचाता है मस्तिष्क के बाह्य आघातों से और संक्रमण से बचाता है बाह्य आघातों से बचाता है मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाता है वह कौन सा भाग बचाता है तो आप ध्यान देंगे कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है वह सी एस एफ सरीब्रोस्पाइनल फ्लूड्स होता है वह बचाने का कार्य करता है तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में मस्तिष्क के बाहर की ओर के, के आवरण के बारे में अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि मस्तिष्क होता है उसकी जो आंतरिक संरचना होगी उसको तीन भागों में बांटा गया है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क तो मस्तिष्क होगा उसको कितने भागों में बांटा गया तीन भागों में बांटा गया है तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क होगा से निर्मित खोपड़ी के अंदर रहता है। क्रेनियल के अंदर अंदर सुरक्षित सुरक्षित रहता रहता है और मस्तिष्क के बाहर के आवरण को हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं जो कि तीन परतों से बना होता है दृढ़ तानिका जाल तानिका और मर्दु तानिका जाल तानिका और या तानिका के मध्य की गुहा होती है उसे सब अरेक्ट गुहा कहते हैं जिसमें मैरु द्रोव भरा हुआ रहता है यह द्रव मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है अब हम देखेंगे कि सोता है, उसको कितने भागों बांटा गया है? तो में बांटा गया तीन भागों में बांटा गया है सबसे पहला भाग हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अग्र मस्तिष्क कौन सा भाग ध्यान रखना आपको अग्र मस्तिष्क दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है वो मध्य मस्तिष्क ये मस्तिष्क का भाग है जो एट्टी प्रतिशत भाग का निर्माण करता है वह भाग कौन सा कहलाएगा अग्र मस्तिष्क कहलाता है तो ये मस्तिष्क का भाग है जिसे हम क्या कहेंगे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है अग्र मस्तिष्क दूसरा भाग होगा जो कि यह भाग उपस्थित है और इस भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं यानी मध्य भाग में उपस्थित होता है जिसे मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है मध्य मस्तिष्क या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है और आप ध्यान देंगे यह मस्तिष्क का भाग है जिसे हम क्या कहेंगे पक्ष मस्तिष्क कहते हैं पक्ष मस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं तो हाइंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से हाइंड ब्रेन या पक्ष मस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं पहला भाग कौन सा हो जाएगा अग्र मस्तिष्क या जिसे हम क्या कहेंगे फोर ब्रेन कहेंगे तो इस प्रकार से फोर ब्रेन होता है वह आपको ध्यान रखना है यह ध्यान दीजिए अग्र मस्तिष्क होता है उसके बारे में आप ध्यान दें तो सबसे पहले आपको है मस्तिष्क का 80 से पिछासी प्रतिशत भाग होता है वो इसके द्वारा निर्मित होता है यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है तो ये आपको ध्यान रखते हैं अग्र मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग होता है वह बड़ा भाग कौन सा उपस्थित होता है अग्र मस्तिष्क उपस्थित होता है अग्र मस्तिष्क होगा उस अग्र मस्तिष्क को अगेन तीन भागों में बांटा गया है यानी कितने भागों में बांटा गया है तो अग्र मस्तिष्क होगा उसको हम अगेन तीन भागों में बांटते हैं तो अग्र मस्तिष्क होगा उसको अगेन हम तीन भागों में बांटते हैं पहला भाग होगा जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे प्र मस्तिष्क यह जो मस्तिष्क का पहला भाग हम लिखेंगे इसे हम प्र मस्तिष्क लिख देते हैं और पहला भाग हो जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे प्र दूसरा भाग होता है पर के बाद में वो आपको जानता है घ्राण पिंड कौन सा होता है घ्राण पिंड या ऑल फैक्ट्री लोब्स होता है प्रमस्तिष्क को ही हम क्या कहते हैं सरीभ्रम कहा जाता है पर या जिसे हम क्या कहेंगे सरीभ्रम और घ्राण पिंड और तीसरा होता है अग्र मस्तिष्क पक्ष अग्र मस्तिष्क पक्ष या जिसे हम डाइन से लिखते हैं अग्र मस्तिष्क पक्षय को ही हम क्या कहते हैं डायन सिफेलॉन कहा जाता है तो इस प्रकार से डायन सिफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पक्ष भाग होता है वह भाग हमें ध्यान रखना है और अग्र मस्तिष्क पक्ष भाग होगा उसके भी अगेन तीन भाग होते हैं वह हमें ध्यान रखना है कौन कौन से तीन भाग होते हैं तो उसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर का भाग होता है जिसे एपी कहते हैं क्या कहेंगे एपी कहेंगे और दूसरा भाग होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं दूसरा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे थैलेमस के नाम से जाना जाता है और तीसरा भाग होता है जिसे हाइपो के नाम से जाना जाता है तो ये तीन भाग होते हैं किसके अंदर तो आप ध्यान देंगे कि अग्र मस्तिष्क पछे या डाइन से फैलौन होता है उसके अंदर तीन भाग होते हैं अब हम समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में प्रमस्तिष्क के बारे में यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अगेन ध्यान दें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह बड़ा भाग कौन सा होता है तो आप ध्यान देंगे मस्तिष्क होता है यह कुल मस्तिष्क का दो तीय भाग का निर्माण करता है यानी पिछहत्तर से अस्सी प्रतिशत भाग होगा वह अस्सी प्रतिशत भाग होता है वह किसके द्वारा निर्मित होता है तो मस्तिष्क का एटी प्रतिशत भाग होगा वह प्रमस्तिष्क या शरीब्रम से निर्मित होता है प्रमस्तिष्क या शरीब्रम यह अग्र का भाग है ये भाग क्या कहलाएगा प्रमस्तिष्क कहलाता है और प्रमस्तिष्क या शरीब्रम होता है इस पर या सेरिब्रम के अंदर दो गोलार्ध होते हैं दो होते हैं एक बाया और एक बायां और दायां तो इस प्रकार से जो है वह दो गोलार्ध होते हैं एक बायां गोलार्ध और एक कौन सा गोलार्ध होता है दायां गोलार्ध उपस्थित होता है यानी पर होगा वह दो गोलार्धों में विभक्त होता है आप इस प्रकार से देखते हैं कि दो गोलार्ध आपस में जुड़े हुए हैं बीच में एक अनुलम विदर उपस्थित होती है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि परमस्तिष्क एक अनुलंब विदर के द्वारा अनुलम विदर विदर का मतलब खांच विदर या खांच या के द्वारा दो भागों में विभक्त होता है बायां और दाया गोलार्थ इस प्रकार से दो गोलार्धों तो में बंटा हुआ रहता है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे ये कितने गोलार्धों तो में विभक्त होता है अनुलम विदर द्वारा अनुलम विदर द्वारा दो भागों में विभक्त होता है यानी जो प्रमस्तिष्क होगा अनुलंब विदर द्वारा विदर द्वारा खांच द्वारा कितने गोलार्धों में दो गोलार्धों में विभक्त होता है अनुलम विलर विदर द्वारा दो गोलार्धों में विभक्त होता है और एक गोलार्ध हो जाएगा बाया और दूसरा कौन सा हो जाएगा दाया बाया एवं दूसरा कौन सा हो जाएगा दाया इस प्रकार से दो गोलार्धों के अंदर यह विभक्त रहता है अब ध्यान दीजिए यह दोनों गोलार्ध होते हैं वे दोनों गोलार्ध एक बीच में संयोजन पट्टी से जुड़े हुए रहते हैं अंदर की ओर से एक संयोजन पट्टी से जुड़े हुए रहते हैं और संयोजन पट्टी होती है उसे हम कार्पस कैलोसम कहते हैं एक संयोजन पट्टी से जुड़े हुए रहते हैं अंदर से संयोजन पट्टी से ये जुड़े हुए रहते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं कार्पस कैलोसम कहा जाता है कार्पस कैलोसम नामक पट्टी होती है उस पट्टी की सहायता से ये दोनों गोलार्ध होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो गोलार्धों में दोनों गोलार्धों के बीच में एक संयोजन पट्टी उपस्थित होती है और संयोजन पट्टी को हम क्या कहते हैं कार्पस कैलोसम कहते हैं जो कि बाएँ एवं दाएँ गोलार्ध को आपस में जुड़े रखने का कार्य करती हैं तथा आप ध्यान देंगे कि जो प्रम अस्तिक्ष होता है उसमें बाहर की ओर आप देखेंगे तो इसमें बाहर की ओर जो द्रव्य उपस होता है उसे हम दूसर द्रव्य कहा जाता है जिसे वलकुट नाम से जाना जाता है तो इसके बाहर का आवरण होगा उसे हम वलकुट कहेंगे और वलकुट होता है उसमें कौन सा द्रव्य द्रव्योपस्थ होता है दूसर द्रव्य उपस्थ होता है क्योंकि इसके अंदर तंत्रिकाओं की अधिक संख्या होती है अधिक संख्या होने के कारण से धूसर रंग का दिखाई देता है तो इस प्रकार से बाहर का आवरण होगा जिसे हम वलकुट कहते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं तो आपको ध्यान रखना द्रव्य के नाम से जानते हैं जबकि भीतर की और द्रव्य को सब जिसे हम क्या कहेंगे श्वेत द्रव्य कहा जाता है दूसर द्रव्य उपस्थित होता है तो मस्तिष्क में जो है वो आपको जानना है बाहर की ओर क्या उपस्थित होगा दूसर द्रव्य अंदर की ओर श्वेत द्रव्य जबकि हम देखेंगे मेरुरज्जु के अंदर जस्ट इसका उल्टा होता है मेरुरज्जु में आप देखेंगे तो दूसरा द्रव्य होता है कि में उपस्थित होता है श्वेत द्रव्य बाहर की ओर उपस्थित होता है तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है अब ध्यान दीजिए ये पूरा मस्तिष्क होता है इसका कार्य क्या होता है तो आप देखेंगे कि सोचने विचारने सोचने विचारने बुद्धिमत्ता यादास्त बुद्धिमत्ता यादास्त बुद्धिमत्ता यादास्त एकाग्रता ध्यान ये सारे जो हमारे विचारने से संबंधित सोचने से संबंधित बुद्धिमत्ता संबंधित एकाग्रता संबंधित ध्यान से संबंधित ये सारे कार्य हैं वह किसके द्वारा किए जाते हैं परमस्तिष्क या शरी भ्रम के द्वारा किए जाते हैं तो इस प्रकार से सोचने विचारने बुद्धिमत्ता यादा एकाग्रता ध्यान ये सारे कार्य होंगे वो किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं परमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो दृष्टि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी परम के द्वारा किए जाते हैं तो ये सारे कार्य आपको ध्यान रखना है परमस्तिष्क या शरी भ्रम के द्वारा किए जाते हैं अब उसके बाद में जस्ट ये प्रमस्तिक्स है, उस के पीछे की ओर का भाग होता है वह आपको जानता है ग्राण पिंड उपस्थित होते हैं ग्राण पिंड होते हैं ये दो पिंडों के रूप में उपस्थित होते हैं जो जिसमें स्वर्ण केंद्र उपस्थित होता है जिसमें क्या उपस्थित होगा तो आपको सॉरी गंध के केंद्र उपस्थित होते हैं जिसमें गंध के केंद्र उपस्थित होते हैं गंध के उद्दीपन ग्रहण करते हैं या गंध के उद्दीपन ग्रहण करते हैं यानी गंध के उद्दीपन केंद्र rough... के इसमें उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार से पिंडों का उसे हम घ्राण पिंड या गंध के उद्दीपन के पिंड कहा जाता है तो ये बीच के भाग होंगे अब उसके बाद में इसके जस्ट पीछे की ओर का भाग होता है जो कि आप ध्यान देंगे तो मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क बीच का ये भाग है उस बीच के भाग को हम क्या कहते हैं अग्र मस्तिष्क पक्षय या डाइन कहा जाता है ये पूरा भाग है इस पूरे भाग को हम अग्र मस्तिष्क पक्षय के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क पक्षय होता है उसका ऊपर का भाग होता है जो इनके छत का निर्माण करता है उसे हम एपिथेलमस के नाम से जानते हैं अग्र मस्तिष्क पक्षय का ऊपर का भाग है यह, यह किस नाम से जाना जाएगा तो आपको देखना है एपिथेलमस के नाम से जाना जाता है इस एपिथेलमस भाग होता है इस भाग में आप ध्यान ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम पीनियल ग्रंथी कहा जाता है तो इस प्रकार की ग्रंथि होगी जिसे हम क्या कहेंगे पीनियल ग्रंथी कहा जाता है यह उपस्थित होती है दूसरा आप ध्यान देंगे इसमें भाग उपस्थित होता है थेलेमस भाग यानी यह जो होता है एपोथेलेमस और एपिथेलेमस के बीच का भाग होता है जिसे हम क्या कहेंगे थेलेमस भाग के नाम से जाना जाता है और ये थेलेमस भाग होता है वो प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है फिर उसके बाद में इसके जस्ट नीचे की ओर भाग उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं हाइपोथेलेमस कहा जाता है और हाइपोथेलेमस होता है यानी भाग होगा उसके द्वारा तो क्या कार्य किया जाएगा तो आपको देखता हैं जो संवेद सम्थे... संवेदनाएं है होती हैं उन संवेदनाओं के आवेगों को लाने और ले जाने का कार्य होता वो है वह कार्य आपको देखता हैं पर मस्तिक्षक पहुंचाने और वापस लाने का कार्य होता है यानी एक प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है वो तो थेलेमस भाग करता है अब उसके नीचे का भाग होता है हाइपोथेलेमस उपस्थित है जिसके पास में एक ग्रंथ ही उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं पीयूस ग्रंथि कहा जाता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वह प्यूष ग्रंथि है और शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने से संबंधित ग्रंथि होती है ये हम तंत्र में पढ़ेंगे तो ये प्यूष ग्रंथि होती है यह भी यहाँ पर उपस्थित होती है सेला नामक अस्थि होती है उस अस्थि की गुहा के अंदर उपस्थित होती है हाइपोथेलमस होता है यह हाइपोथेलेमस भाग होगा इसके द्वारा हमारे शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य है वह हाइपोथेलेमस के द्वारा किया जाता है ताप नियंत्रण भूख प्यास भूख प्यास कामो भावना भूख प्यास काम भावना इत्यादि है वो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया जाएगा हाइपोथेलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताप नियंत्रण भूख के प्यास ये और काम भावनाएं है होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र होता है वह कौन सा भाग उपस्थित होता है हाइपोथेलेमस उपस्थित ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताप नियंत्रण है या ताप के जो नियंत्रण केंद्र होता है वह कहाँ पर उपस्थित होता है हाइपोथेलेमस में उपस्थित होता है तो ताप नियंत्रण भूख प्यास इत्यादि जो भावनाएं होती हैं उनका नियंत्रण है वो हाइपोथेलेमस के द्वारा किया जाता है अब उसके बाद में सेकेंड भाग हम देखेंगे और सेकेंड भाग कौन सा उपस्थित होता है मध्य मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क अब ध्यान दीजिए मध्य मस्तिष्क के बारे में या मिड ब्रेन के बारे में ध्यान रखना है यह मनुष्य में कम विकसित भाग होता है और मध्य मस्तिष्क होता है उसके अंदर दो मुख्य भाग होते हैं एक आपको ध्यान रखना है कारपोरा क्वाड्री जमीना तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कारपोरा क्वाड्री जमीना क्वाड्री जमीना और दूसरा होता है कुर्रा सरिब्राई कारपोरा क्वाड्री जमीना और दूसरा कौन सा होता है कुर्रा शरीब्राई ये दो भाग होते हैं यह मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं मध्य मस्तिष्क का निर्माण करते हैं सबसे पहले आपको ध्यान का कारपोरा क्वाड्री जमीना तो इसमें आप देखेंगे कि चार लोभ होती हैं कितनी लोभ होती हैं चार लोभ होती है, है? है पिंड होते हैं वो मिलकर के और आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण करते, है? करते हैं कारपोरा क्वाड्री जमीना का निर्माण करते हैं ऊपरी दो पिंड होते हैं ऊपरी जो दो पिंड होंगे वह पिंड मिलकर के दृष्टि से संबंधित कार्य करते हैं और नीचे के दो निचले दो पिंड होते हैं वे पिंड मिलकर के और आपको स्वर्ण से संबंधित कार्य करते हैं और इस प्रकार से दृष्टि और स्वर्ण से संबंधित कार्य करने वाले चारों पिंड होते हैं वो मिलकर के और कारपोरा क्वाडरी जमीना का निर्माण करते हैं तो एक तो आपको जमीना। दूसरा भाग इसमें होता है कुर्रा ये कुर्रा होता है वह आपको अग्र मस्तिष्क एवं पक्ष मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है वह कौन सा भाग करता है कुर्रा सरिब्राई करता है तो कुर्रा सरिब्राई होगा वह अग्र मस्तिष्क एवं पक्ष मस्तिष्क होगा उनको जोड़ने का कार्य करता है लर हो गया तो जोड़ने के कार्य से संबंधित जो होगा उसे हम पूरा शरीब्राई कहेंगे अब उसके बाद में तीसरा भाग उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहेंगे पक्ष मस्तिष्क के नाम से जानते हैं पक्ष मस्तिष्क यानी पक्ष मस्तिष्क में आपको क्या ध्यान रखना है यह मस्तिष्क का जो पक्ष भाग होता है और मस्तिष्क पक्ष भाग होगा उस पक्ष मस्तिष्क होता है उसके भी तीन भाग होते हैं सबसे पहला भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं जिसे या क्या कहेंगे इसे कहा जाता है तो पहला भाग हो जाएगा या के नाम से जानते हैं दूसरा भाग होता है जिसे हम मेड्यूला ओब्लांगेटा कहते हैं ओब्लांगेटा कहा जाता है तो मेडुला के नाम से जाना जाता है और तीसरा भाग उपस्थ होता है पोन्स के नाम से जाना जाता है तो पोन्स वेरोलाई कहा जाता है तो ये तीन भाग होते हैं उससे मिलकर के और पक्ष मस्तिष्क का निर्माण होता है पक्ष मस्तिष्क में सबसे पहला भाग होता है वह अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है सबसे बड़ा भाग तो कौन सा होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है और दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है वह कौन सा होता है तो अनुमस्तिष्क या जिसे हम क्या कहते हैं सेरिबेलम कहते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम होता है उस अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के द्वारा आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर की अच्छी क्रियाएँ होती है उनको नियंत्रित किया जाता है यानी हमारे शरीर के हाथ पैरों की जो पेशियाँ होती हैं उनमें संकुचन और शीतलन की क्रियाएँ होती हैं उनको नियंत्रित किया जाता है जैसे बोलना है लिखना है दौड़ना है पढ़ना है ये सारी क्रियाएँ हैं उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है वह अनुमस्तिष्क यहाँ शहरी विलम उपस्थ होता है शराबी व्यक्ति होता है उसमें भी सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग होता है वो कौन सा भाग होता है शहरी बैलम होता है शराबी व्यक्ति में हाथ पैरों पर नियंत्रण कम हो जाता है क्योंकि इसका कौन सा भाग होता है वो प्रभावित होता है अनुमस्तिष्क यहाँ शहरी बैलम प्रभावित होता है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो अनुमस्तिष्क यहाँ शहरी बैलम होता है यह भाग होगा वह किससे संबंधित है हमारे शरीर की अच्छी क्रियाएं जो कि मसल्स होती हैं वे मसल्स जो कि हमारी कंकाली तंत्रों से संबंधित होते हैं स्कलेंटन सिस्टम से संबंधित होती हैं जो शरीर की गति से संबंधित होती है उनका नियंत्रण करती है तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है अनुमस्तिक सोगा उनके द्वारा हमारे शरीर में किसका कार्य किया जाता है ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है तो ये भाग हो गया दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क उसके बाद दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है वेरोलाई सेकेंड भाग हमें ध्यान रखना है पॉन्स वेरोलाई और पॉन्स वेरोलाई होता है यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है तथा जो अश्रु का आना या अश्रु का श्रावण होना इस का है इस प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण वो इनके द्वारा किया जाता है तीसरा भाग हमें ध्यान रखना है और जिसे हम मड्युला ऑब्लैंगेटा कहा जाता है और यह मोड्यूला ऑब्लंगेटा होता है इस भाग के द्वारा मेडुला ऑब्लंगेटा के भाग के द्वारा आपको दैनिक शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं है होती हैं उनका नियंत्रण किया जाता है हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वह नियंत्रित होती है मरुज के द्वारा और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे हृदय का धड़कन है या पाचक रसों का भोजन का पाचन है इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण है वो मेडुला के बारे में, होते ही, उसकी उसमें तीन भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क पहला भाग अग्र मस्तिष्क उसके अंदर अगेन तीन भागोपस्थित हो होते हैं पर मस्तिष्क या सेरिब्रम ग्रांड पिंड या और आप ध्यान देंगे अग्र मस्तिष्क से या फिलौन होते हैं और पर मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होगा अस्सी से पिछासी प्रतिशत भाग का निर्माण करेगा एक अनुलम विदर के द्वारा दो गोलार्धों में गोलार्थ होता है बाया गोलार्ध दाया गोलार्ध दोनों गोलार्ध आपस में संयोजन प्रति से जुड़े होते हैं जैसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है यह भाग होगा सोचने विचारने बुद्धिमत्ता यादाश्त एकाग्रता ध्यान इत्यादि कार्यों का नियंत्रण करता है अग्र मस्तिष्क होगा उस जो प्रमस्तिष्क होता है उस प्रमस्तिष्क में बाहर के जो द्रव्य होता है उसे हम दूसर द्रव्य कहेंगे जिस और जिस जो कौन से भाग का निर्माण करता है मस्तिष्क के वलकुट भाग का निर्माण करता है कॉटैक्स का निर्माण करता है जबकि अंदर का जो भाग होगा उसे मेडुला कहते हैं और यह मेडुला होगा वो द्रव्य से निर्मित होता है ग्राण पिंड होते हैं यह आपको देखता है पर मस्तिष्क पीछे की ओर का भाग उपस्थित होता है जो कि गंध के उद्दीपना को ग्रहण करता है फिर अग्रमस्तिष्क पचन से फिलन होगा उसको तीन भागों में यह आपको रखना है कि प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर उपस्थित होता है और यह जो होगा डायनसेफिलोन की छत का निर्माण करता है एपिथेलमस भाग होता है उसमें एक ग्रंथि ग्रंथी जिसे पीनियल ग्रंथी कहते हैं जो कि सोने जागने एवं लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करने का कार्य करती है फिर दूसरा भाग थेलेमस भाग हो गया यह प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है यानी जो संवेदी अंगों से आने वाली संवेदनाएं होती है उसको मस्तिष्क ले जाने और वहाँ से वापस अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है आइपोथेलेमस होगा यह भाग होता है इसमें एक ग्रंथी कौन सी पीयूष ग्रंथियों बस होती ये शरीर के ताप नियंत्रण भूख प्यास काम भावना इत्यादि का नियंत्रण करता है तथा तो इसके द्वारा दो हार्मोनों का स्त्रण भी किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे एक ऑक्सीटोसिन हार्मोनों कामस के द्वारा किया, किया जाता है तो यह इस प्रकार से हमें रखना है कारपुरा क्वारिजियम और कुर से कॉर्डिज चार पिंडों से बनाता हूँ ऊपरी दो पिंड होंगे दृष्टि संबंध निचले दो पिंड श्रवण से संबंधित होते हैं कुरा से अग्र मस्तिष्क एवं पक्ष मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करती है फिर उसके बाद में आपको दंग पक्ष मस्तिष्क इसमें पहला भाग अनुमस्तिष्क या शरीर बैलम यह भाग होगा इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर की अच्छी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण किया जाता है दूसरा भाग पौंस वरवाई इसके द्वारा आप ध्यान देंगे तो अश्रु के निर्माण की क्रियाविधि होती है उनका नियंत्रण किया जाता है इसके अतिरिक्त स्वातन के केंद्र होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं यानी श्वसन संबंधी केंद्र होंगे वह पौंस में उपस्थित होते हैं और यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है फिर मेडला अब्लंगेटा यह अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित अंग भाग होता है और मेडला अब्लंगेटा ही होगा वो पीछे की ओर जो फोरामेन ऑफ रंध्र यानी महारंध्र होता है उससे बाहर की ओर निकल कर के और किसका निर्माण करता है मैरुरज्जू का निर्माण करता है सेकेंड भाग हम देखेंगे किसके बारे में मैरुरज्जू के बारे में तो यहाँ तक आप ध्यान दीजिए अब उसके बाद में अगला भाग हमें ध्यान रखना है कौन सा मैरुरज्जू मेरुज्जु में आपको ध्यान रखना है कि जो मस्त पक्ष मस्तिष्क होगा वो पक्ष मस्तिष्क भाग होता है उस पक्षय मस्तिष्क हाइंड हो ब्रैंड होगा वो फोरामेन ऑफ मैग्नन नामक छिद्र से बाहर की ओर निकल करके और मेरुरज्जु का निर्माण करता है जिसकी लंबाई होती है वह वयस्क मनुष्य में लगभग इसकी लंबाई होगी वह पैंतालीस सेंटीमीटर होती है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है मेरोज्जु होती है वह मेरुरज्जु आपको ध्यान रखना है कसरू की दंड के अंदर परिबद्ध रहती हैं यानी मनुष्य के अंदर मेरुज्जु होगा वह कसरु की दंड होता है उसके अंदर सुरक्षित रहती हैं और मेरुज्जु होती हैं उसके अंदर एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो दूसर द्रव्य होगा वह केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है इसके अंदर एक केंद्रीय केंद्री नाल उपस्थित होती है और इस प्रकार से द्रव्य उपस्थित होगा उसे हम दूसर द्रव्य कहा जाता है तो दूसर द्रव्य उपस्थित होगा और आप ध्यान देंगे इसमें जो श्वेत द्र द्रव्य होता है वह श्वेत द्रव्य बाहर की ओर परिधि पर उपस्थित होता है सो श्वेत द्रव्य होगा वह तो आपको ध्यान है परिधि पर उपस्थित होता है जबकि दूसर द्रव्य होगा वह दूसर द्रव्य कहाँ पर उपस्थित है अंदर की ओर उपस्थित होता है इनके पृष्ठ सरंग और अदर अदर्शरंग से तो तंत्रिकाएं निकलती है और जो कि आपको जानते हैं मेरु तंत्रिकाओं का निर्माण करती तो इस प्रकार की इनकी आंतरिक संरचना होती है तो वो मेरुरज्जु की होती है तो मेरुरज्जु में जो आप ध्यान देंगे श्वेत द्रव्य होगा वो बाहर की ओर उपस्थित होता है जबकि दूसर द्रव्य होगा वह केंद्र में उपस्थित तो होता है जबकि मस्तिष्क में जस्ट इसके उल्टा था तो इस प्रकार से मस्तिष्क से जस्ट उल्टा इसमें जस देखा जाता है मेरुरज्जु में मेरुरज्जु की उसके कार्य क्या होते हैं तो आप ध्यान देंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाएगा तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है वह आपको ध्यान रखना है मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है दूसरा आप ध्यान देंगे मेरुरज्जु होता है उसके द्वारा मस्तिष्क को जाने वाले आवेग एवं मस्तिष्क से आने वाले मस्तिष्क से आने एवं मस्तिष्क को जाने मस्तिष्क से आने एवं मस्तिष्क को जाने वाले मस्तिष्क को आने एवं मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों का नियंत्रण होता है आवेगों का संचालन होता है वह आवेगों को सहवन का कार्य है वह आवेगों को सहवन का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है तो मेरुजु के द्वारा किया जाता है तो मस्तिष्क में जो भी आवेग जाते हैं मस्तिष्क तक उनको ले जाने का कार्य और वहाँ से वापस लाने का कार्य है वो दोनों कार्य किसके द्वारा किया जाता है मेरुजुग के द्वारा किया जाता है और हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएँ है होती हैं उनका नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है तो आप ध्यान देंगे मेरुजुग के द्वारा किया जाता है तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब इस प्रकार की क्रियाएँ जैसे कभी हम गर्म वस्तु का स्पर्श करते हैं तो फटाक से आध जाता है तो इस प्रकार की क्रियाएँ वो सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर शामिल होती हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा तो आप ध्यान देंगे इस भाग के द्वारा किया जाता है तो यह था किसके बारे में केंद्रीय तंत्रिया तंत्र के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे परिधीय तंत्रिया तंत्र के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू